हेलो बच्चों, वेलकम टू लिटिल जीनियस क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के नाम। ठीक है, कि टोटल कितने दिन होते हैं सप्ताह में, कौन कौन से होते हैं, उनका हिंदी में नाम क्या है, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेज ऑफ द वीक, सप्ताह में दिनों के नाम या सप्ताह के दिनों के नाम। ठीक है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, सबसे पहले संडे, दूसरे नंबर पे कौन सा दिन है? मंडे, तीसरे पे ट्यूसडे, चौथे पे वेडनेसडे, फिर आता है थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे और लास्ट में आता है सैटरडे। ठीक है, संडे को हम लोग कहते हैं रविवार, मंडे को सोमवार, ट्यूसडे को मंगलवार, वेडनेसडे को बुधवार, थर्सडे को हम लोग बृहस्पतिवार भी कहते हैं और साथ में गुरुवार भी कहते हैं। ठीक है, फ्राइडे को शुक्रवार और सैटरडे को शनिवार। ठीक है, इसको आपको बार बार रिवाइज करना है। कितने डेज होते हैं वीक में? 7 डेज होते हैं। कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इसके हिंदी में भी नाम मैंने आपको बता दिया। अब इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछता है कि 7 डेज के नेम बताओ, तो आप बता देंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये तो आप नॉर्मल ऐसे बता देंगे, लेकिन अब इसकी स्पेलिंग भी आपको याद करनी है। स्पेलिंग कैसे याद करेंगे? स्पेलिंग याद करने के लिए आपको पर डे 2 स्पेलिंग याद करनी है। ठीक है, अपनी कोई भी रफ कॉपी ले लीजिएगा, उसमें एक पेज पे एक तरफ लिखिए संडे, SUNDAY संडे, और दूसरे तरफ लिखेंगे MONDAY मंडे। ठीक है, लाइन खींच दिया। अब एक पेज में आपको इन दो मीनिंग को प्रैक्टिस करना है, लिखना है बार बार। और कैसे लिखेंगे? लिखते जाएंगे और बोलते जाएंगे SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, SUNDAY संडे, MONDAY मंडे। इस तरीके से प्रैक्टिस जब करेंगे आप, तो ये एक पेज लिखने के बाद आपको मीनिंग याद हो जाएगी, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट रखना है एकदम, और उस मीनिंग को बोल बोल के लिखना है। ऐसे नहीं कि बस बोले नहीं और बस लिखते गए, ऐसा नहीं करना। आपको बोलते हुए उस मीनिंग को लिखना है, तो ये आपको याद हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में। अगर एक पेज में नहीं याद होती है तो आप नेक्स्ट पेज फिर उसमें इसको प्रैक्टिस कीजिए, संडे और मंडे का। जब वन डे आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको 2 स्पेलिंग याद हो जाए। जब तक 2 स्पेलिंग नहीं याद होगी, तब तक आप ट्यूसडे और वेडनेसडे पे नहीं जाएंगे। जब आपको ये 2 स्पेलिंग याद हो जाएगी, उसके बाद आपको इसी तरीके से ट्यूसडे और वेडनेसडे की प्रैक्टिस करनी है, फिर थर्सडे फ्राइडे की प्रैक्टिस करनी है, और फिर लास्ट में सैटरडे की प्रैक्टिस करनी है। जब आप स्पेलिंग लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उसको बार बार, तो आपको स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। जितना आपको ये पता हो कि कितने डेज होते हैं उनके नाम, उतना ही आपको इनकी स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 7 डेज नेम, इनका हिंदी में नाम, और आपको ये मीनिंग कैसे लर्न करनी है कि आपको ये 7 डेज लर्न हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के नाम जो होते हैं 7, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इनका हिंदी में भी नाम सीखा, इनकी स्पेलिंग को कैसे लर्न करना है ये भी मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।